वेलकम बैक टू बीजीएम गेमर्स न्यू स्ट्रीम। कैसे हैं आप सब? तो भाई देख लिया जाए, यहाँ पर पूरे 100 बंदे ज्वाइन हुए थे रूम में, और यहाँ पर भी देख लिया जाए भाई, और यहाँ पर भी पूरे 100 बंदे आते हुए, क्या ही बात है। मतलब बहुत ही बढ़िया भाई। और भाई आज थोड़ा रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। आज का रिवॉर्ड टीम को भाई कम से कम 25 किल करने होंगे पूरी टीम को मिलाकर, और चिकन डिनर लेना होगा, और उसके MVP को 150 UC दिए जाएंगे जो उस टीम का MVP होगा, और साथ में उसको 25 रुपये क्रेडिट गूगल पे क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी गेम वगैरह अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं जो कि पेड ऐप है गूगल के अंदर, गूगल प्ले स्टोर के अंदर, तो आपको उसमें 25% का लेस मिलेगा। और भाई कई हेटर्स हैं जो कि भाई अनसब्सक्राइब कर करके जा रहे हैं, तो भाई उनके बारे में हम क्या ही कहें, हेटर को खैर कुछ हम कह नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल, वो नहीं तो कोई और, सही दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और भाई प्लेन पाथ की बात करें तो प्रीमोस के होता हुआ सीधा शालवर की तरफ काफ़ी अच्छी जगह से वैसे जा रहा है, और भाई काफ़ी सारी यहाँ पर आई आज, और भाई INT मुज्जू भाई भी आए हैं आज अपने, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया। AVG की पूरी टीम आई है, वुल्फ भाई की टीम आई है, मौत हो गया पूरी टीम, वर्ल्ड बर्ड, मतलब सभी बंदे आज पूरे पूरे आए हुए हैं। भाई टीम हाउस की तरफ दो स्कोड उतर चुकी है, देख लिया जाए। जी हाँ भाई, दो नहीं तीन स्कोड होती हैं, टीम 25, टीम 14, और भाई एक टीम और उतरी है, मतलब क्या ही बात है। वहाँ पर बहुत बढ़िया टीम नंबर 7 भी यहीं पर उतरी, और भाई टीम नंबर 7 निकल ली वहाँ से उतरी, तो भाई टीम नंबर 1 भी भाई वहीं पर आ चुकी है, काफ़ी लेट लैंडिंग किया टीम नंबर 1 ने, लेकिन वहीं पर आ चुकी है। और भाई कोचिंग की तरफ भी कम से कम 3 या 4 स्कोडें निकलती हुई भाई INT मोजू भाई की स्कोड उधर जा रही है, 19th Century लोगन फिर छोटा सा की टीम को सभी जानते हैं, वहीं पर जाएगी। और भाई काफ़ी सारी स्कोडें आई थिंक जॉर्जो की तरफ निकलती हुई, कम से कम 5 स्कोडें जॉर्जो की तरफ निकलती हुई, जैसे ही कहीं पर फाइट होती है हम वैसे ही वहाँ पर कैमरा लेकर जाएंगे। तो भाई आई होप सबने अनाउंसमेंट सुनी ली होगी, हमने ग्रुप में भी शेयर की थी, तो देखते हैं 25 किल कौन कर पाता है आज, किस स्कोर 25 किल करके 150 UC और 25 रुपये पर गूगल पे क्रेडिट लेकर जाएगी, तो भाई देख लिया जाए। यहाँ पर रिवॉर्ड वैसे काफ़ी अच्छा है, देखना ये होगा कि कौन सी टीम जीतती है। सोलो भाई यहाँ पर सोलो गणेश भाई और स्कोर है सामने टीम नंबर 14, टीम नंबर 1 प्रीमोस की तरफ, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर टीम नंबर 1 के दो ही मेंबर आए, दो मेंबर काफ़ी दूर जा चुके हैं, और कहीं पर फायर भी किया गया है जहाँ तक मुझे लगता है। भाई देख लिया जाए कहीं पर फाइट होना आरंभ भी हो रहा है अभी। जी हाँ यहाँ पर देखिए आदिल भाई को यहाँ पर नॉक कर चुके हैं, कुछ कहते हैं ना, और 25 के एक मेंबर टीम नंबर 14 की तरफ से जो कि सोनू किलर भाई ने नॉक किया था, वो काफ़ी अच्छे कवर में है वहाँ पर। आई थिंक सोलो गणेश भाई उन्हें रिवाइव दिले जा रहे हैं, और भाई रिवाइव वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सोलो डेंजर भाई ने वहाँ पर स्मोक किया, और AVG की स्क्वाड की भाई फाइट हो गई है वहाँ पर, AVG की स्क्वाड को भाई देख लिया, टीम नंबर 21 की भाई फाइट हो रही है AVG बिल्लू भाई और टीम नंबर 15 के बीच फाइट हो रही है भाई, गाड़ी से कुचल कुचल कर मार रहे हैं यहाँ पर। RDX भाई पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, RDX आदि, और भाई INT रोकी भाई जो कि इनके पास कोई गन वगैरह नहीं है लेकिन पेड़ का कवर लेकर खड़े हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और भाई AVG की टीम भाई फिर से किसी को वहाँ पर ठोकने का विचार बना रही है टीम नंबर 15 के एक मेंबर को। जी हाँ उन्हें भाई डुक डुक से मारने का प्रयास, क्योंकि उनके मेंबर्स भाई वहाँ पर मार दिए गए। जी हाँ RDX मलिक भाई यहाँ पर उन्हें भी गाड़ी से ठोक दिया गया भाई। यहाँ पर देखिए INT रोकी भाई अकेले बचे हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पेड़ या पत्थर कवर में लेटे, और भाई ये क्या ही अहम बारे में बड़ी दुख भरी कहानी है इनकी भी, पेड़ के कवर में पूरी टीम गाड़ी से कुचल कुचल के मर रही है वहाँ पर। और भाई देखिए AVG बिल्लू भाई उन्हें मुक्कों से मारते हुए और गाड़ी चढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है उनके ऊपर वहाँ से निकलते हुए भाई, क्या ही बात है। बस कि वहाँ पर उठा करके गए सामने पत्थर का कवर ले चुके हैं आई जी हाँ, वहाँ पर फिर से बच गए भाई, काफ़ी अच्छी फाइट चली हुई है, मतलब कारों से ही मार रहे हैं, गन किसी के पास है नहीं। और भाई यहाँ पर देखिए INT भाई कितनी अच्छी जगह रोकी भाई कितनी अच्छी जगह खड़े हो गए थे वहाँ पर, लेकिन भाई बिल्लू भाई वहाँ पर उतर चुके हैं, और भाई उनको दुख दुख मारने का प्रयास किया जा रहा है। परे से एक गाड़ी और आती हूँ भाई, दोनों गाड़ियाँ इनके पीछे लग चुकी है, अब मुझे नहीं लगता भाई यहाँ पर बच पाएंगे INT रोकी भाई। भाई कहीं पर सोलो गणेश जो कि भाई टीम नंबर 25 के मेंबर है वहाँ पर, सोलो गणेश भाई नॉक हो चुके हैं, प्रिंस मोइन भाई नॉक पड़े हुए हैं प्रिंस किंग की तरफ से, तो इन टीम की तरफ से हम जरूर चलेंगे। प्रिंस किंग की टीम भी भाई जरूर देखी जा रहा है कौन सी टीम है वहाँ पर, आई थिंक टीम नंबर 23 की यहाँ पर फाइट हो रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, एक मिनट देख लिया जाए पहले। जी हाँ भाई टीम नंबर यहाँ पर 19 के जो कि प्रिंस मोइन भाई यहाँ पर नॉक पड़े हुए थे, यहाँ पर मौत हो गया इसकी टीम की तरफ से, जो कि प्रिंस किंग ने उन्हें नॉक किया था बड़े इजीली। और भाई यहाँ पर SDF सर यहाँ पर नॉक पड़ रखे हैं जो कि फिर टीम की
नंबर है। मुजुटू भाई ये भी जी सल्लू सोनू भाई वहाँ पर खत्म कर चुके हैं। ए बी जी भाई की वहाँ पर फाइट हो चुकी है भाई, लेकिन यहाँ पर एस जी एफ जेड भाई यहाँ पर नौकरे से बड़े चली रिवाइव मिल जाएगा। किल छोटा जरूर किल शॉट मैग्नेट सैम ने वहाँ पर काफी अच्छा कवर दिया अपने टीम मेट को। और भाई मुजुटू भाई की फाइट हो चुकी है ये ए बी जी और के साथ, भाई इनको भी देख लिया जाए टीम नंबर 12 की आई थिंक टीम नंबर 21 के साथ फाइट हो रही है वहाँ पर, जहाँ से मुझे लगता है क्योंकि मोजो टू भाई किसी को ठोक के नहीं, सॉरी भाई मैं गलत ले गया आपको, टीम नंबर 17 की फाइट हुई है और उन्होंने फाइट खत्म भी कर दी बड़ी जल्दी वहाँ पर। मोजो टू भाई यहाँ पर काफी बंदों को, दो बंदों को डेथ कर चुके हैं, तीन बंदे पूरी स्कोडी थी भाई देर कर चुके हैं। शिवानी की तरफ काफी सारे बंदे आए थे तो हमने ध्यान नहीं दिया ब्रो इतना, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे कि भाई यहाँ भी थोड़ी फाइट मिस हो गई हमारे पास से। भाई देख लिया जाए यहाँ पर भाई वाइल्ड भाई और यहाँ पर फाइट हो सकती है। टीम नंबर 23 के एक मेंबर नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पर, प्रिंस मोहन भाई की तरफ से नॉक किए जा चुके हैं यहाँ पर, वाइल्ड बस भाई और उन्हें खबर देने के लिए जा चुके हैं। मौत वैसा है काफी करीब यहाँ पर देख लिया जाए भाई, और मेरे ख्याल से मौत के अपने एक क्लैन के मेंबर टीम नंबर 19 में ही शामिल है सामने वाले अपोनेंट टीम में, क्या ही बात। भाई यहाँ पर रश करते हुए प्रिंस मोहन भाई, लेकिन वहाँ पर उनके टीममेट बड़े इसलिए रिवाइव हो चुके हैं, जितनी देर में रश वो टीममेट रिवाइव हो गए हैं और भाई फिर से स्प्रे देने की कोशिश, लेकिन स्प्रे किसी काम का नहीं आया यहाँ पर। भाई यहाँ पर सही भाई और फाइट हो चुके हैं टीम नंबर 21 के आई थिंक फाइट हो चुके हैं वहाँ पर टीम नंबर 12 के साथ, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं दोनों छोड़े भाई वहाँ पर लड़ते हुए। ए बी जी यहाँ पर नो कर चुके हैं ए बी जी के एक मेंबर को भाई, यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश किया गया उन्हें। ए बी जी बिल भाई और गाड़ी लेकर निकलते हुए क्योंकि उनके पास बड़े इजीली भाई उन्हें भगाया गया है यहाँ से कि भाई यहाँ से तुम निकल जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से बैटिंग नंबर 14 के वहाँ पर एक नंबर नॉक पड़े हैं इरफान 100 किंग वहाँ पर नॉक पड़े हैं टीम नंबर 14 के, दो मेंबर नॉक पड़े हैं भाई क्या टीम नंबर 7 की तरफ से आरडीएक्स की टीम की तरफ से भाई, एक टीम मेंबर को पूरा फिनिश किया गया है यहाँ पर। सोनू किलर भाई और उनके एक दो ही टीम मेट बचे आई थिंक, मुझे नहीं लगता वहाँ पर बचा पाएंगे, अपने टीम मेट्स की तरफ तो आ रहे हैं लेकिन भाई वो सामने घर को कवर ले चुके हैं। यहाँ पर रिच का अच्छा खासा कवर है सलाह, ज्यादा कोई अच्छी लूट नहीं है यहाँ पर टीम नंबर 7 के पास क्योंकि भाई वो थोड़ा पीछे थी, एक दो बार लूट कर आई है वहाँ पर। और भाई सोलो डेंजर भाई मेरे ख्याल से अपनी स्क्वाड के अकेले बचे हैं वहाँ पर, तो भाई इनकी फाइट की तरफ भी हम जरूर चलेंगे, फिलहाल कहीं और की फाइट भी जरूर देख ली जाए भाई। यहाँ पर देख लीजिए भाई यहाँ पर फाइट हो रही थी, कहाँ फाइट खत्म कर दी भाई इतनी जल्दी मेरे ख्याल से। यहाँ पर प्रिंस किंग और ने मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जो कि प्रिंस मोइन भाई और थे उनको टपका दिया गया है बड़े इजीली भाई, यहाँ पर टपका चुके हैं उन्हें तो भाई कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और भाई वहाँ पर देखे टीम नंबर वहाँ पर 7 के एक मेंबर नॉक हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 7 के ही एक मेंबर नॉक हुए हैं किलर की तरफ से, या फिर सॉरी टीम नंबर 14 के एक मेंबर नॉक हुए हैं भाई, क्या ही बात है जी। हाँ भाई टीम नंबर 14 के एक मेंबर, लेकिन उन्हें बड़े इजीली रिवाइव मिलता हुआ भाई वहाँ पर। और टीम नंबर 7 भाई वहाँ पर डार्क हॉर्स भाई और की फाइट हो चुकी है यहाँ पर, उनको भी भाई देख लीजिए डार्क हॉर्स और की फाइट हुई है मेरे ख्याल से टीम नंबर 5 की फाइट हुई है भाई, 5 में है डार्क हॉर्स भाई यहाँ पर कार्लो करेक्टर के साथ, इन्होंने मुबारक भाई को यहाँ पर नॉक कर चुके हैं बड़े इजीली। और भाई देख लिया डार्क हॉर्स की पूरी टीम एक साथ भाई, मुझे नहीं लगता भाई मुबारक भाई को वहाँ पर रिवाइव मिल पाएगा क्योंकि उनकी टीम भाई थोड़ा काफी थोड़े अलग अलग घरों में बैठी हुई है वहाँ पर। जी हाँ मुबारक भाई को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है वहाँ पर, उनके टीम मेंबर्स को देख लिया जाए भाई। टीम नंबर 24 भी भाई ज्यादा दूर नहीं है, गुलाम आलिया एवेंजर थोर भाई की टीम है जो की आर एन किलर और भाई आई एन डी जावेद भाई, तो फाइट सुनकर वो भी इधर आ सकती है भाई, इस तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी वो। फिलहाल भाई यहाँ पर नेड किए जा रहे हैं डेंजर फतेह की तरफ भाई, काफी वहाँ पर नेड किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ही नेड हो रहे हैं भाई वहाँ पर, लेकिन भाई काफी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर अगर आपको नेड करना है तो भाई सामने एक खिड़की है वहां से नेड करना होगा, यहाँ पर कुक करके उस टाइम ही यहाँ पर नेड आता है, ऐसे यहाँ पर नेड नहीं आते भाई। लेकिन डार्क भाई के मेंबर एक मेंबर यहाँ पर आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से दर्श करना चाहेंगे इनके ऊपर जी, नहीं भाई अपने टीममेट्स को आई थिंक बुला रहे हैं क्योंकि जिस जगह भाई जो कोई ट्रिपल वेयर हाउस में भाई कैंप करके बैठता है उसके पास काफी ज्यादा एडवांटेज होता है कि वो सामने वाले को इजिली फिनिश कर सकता है, इसीलिए अपने टीममेट्स को पहले बुलाते हुए उसके बाद भाई रश करेंगे। जी हाँ यहाँ पर एकदम तुरंत नहीं घुस सकते जैसे कि मैंने कहा भाई एडवांटेज होता है, लेकिन भाई वहां से निकल चुके हैं भाई अभी कितना एडवांटेज है। और भाई जब तक यहाँ पर डेंजर फंसे भाई भी नॉक हो चुके हैं पूरी तरह से फिनिश, और भाई इनके एक टीम मेंबर शैक के अंदर बैठे हुए हैं तो भाई क्या ही करेंगे वहां पर।
भाई टीम नंबर 24 की तरफ से आई थिंक उनके ऊपर फायर आया था जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पूरी टीम भाई छत के ऊपर आ चुकी है। जी हाँ, बड़े इजीली भाई यहां से स्पॉट हो रही है डार्क की टीम, डार्क हॉर्स की पूरी टीम यहां से भाई स्पॉट हो रही है। तो भाई यहां से बड़े इजीली स्प्रे भी दिया गया है यहां पर डार्क सोनू भाई ने, देखिए कान एंड जिटर क्या ही फटका दिया है यहां पर आई एंड जावेद भाई को, काफी अच्छा भाई यहां पर वो MP45 से स्प्रे देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाई वहां पर नहीं दे पाए और उल्टा उन्हीं को भाई यहां पर फटका दे दिया गया। काफी अच्छी फाइट चलती हुई यहां पर भी भाई, लेकिन उन्हें नहीं पता भी टीम नंबर 10 के एक नंबर बड़े क्लोज बैठे उनके ब्रस्ट गन के साथ बड़े इजीली भाई उभर सकते हैं। ब्रस्ट गन का डैमेज देखा जाए एक बार के लिए बहुत होता है तो भाई, और टीम नंबर भाई 9 के यहाँ पर फाइट हो सकती है टीम नंबर 8 के साथ, काफी क्लोज है दोनों ही टीमें भाई, कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी हैं यहाँ पर। 10 की फाइट यहाँ पर हो सकती है भाई, फाइटर टॉक्सिक भाई उनके कुछ ज्यादा ही करीब है, उन्हें स्प्रे देने को सामने वाले घरों में भाई देख लिया जाए। यहाँ पर टीम नंबर 9 के एक मेंबर गार्ड लेकर घूम रहे हैं, इसके बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से भाई। प्रिंस पुनीत साइड से भाई उनको स्प्रे देने की कोशिश करेंगे, वो काफी साइड में जाकर वहां पर भाई, और भाई नेड़ गया है एक सामने, क्या ही बात है, मेरे ख्याल स्मोक किया गया था, सॉरी हाइड्रा टॉक्सिक भाई ने वहां पर स्मोक किया गया, आई थिंक उनके पास नेड़ नहीं है, उन्होंने डराने के लिए किसी को स्मोक किया था ताकि भाई वहां से कोई टीम मेट उनका नीचे को दौर। भाई क्रिश मैंने देखे यहाँ पर भाई एक टीम को वहां पर फाइट ले चुके हैं टीम नंबर 13 भाई, देखा जाए कि इनके साथ इन्होंने फाइट ली थी और भाई वो फाइट इन्होंने आई थिंक खत्म भी कर दी, क्या ही बात है इतनी जल्दी भाई, मतलब यार कैमरा लाने का मौका दिया करो, आई थिंक एक ही मेंबर थे तो बड़ी जल्दी उन्हें खत्म कर दिया गया। प्रिंस पुनीत भाई वहां पर नॉक हो चुके हैं जहां तक मुझे लगता है भाई, देख लिया जी हाँ प्रिंस पुनीत नॉक पड़े हुए हैं भाई टीम नंबर 8 के मेंबर की तरफ से, भाई उन्हें पूरा फिनिश किया गया है, नवीन भाई ने उन्हें पूरा फिनिश किया है और नवीन भाई खुद नॉक हो चुके हैं, गाड़ी चढ़ाकर उन्हें नॉक कर दिया गया है भाई। भाई K49VS भाई ने दो बंदों पर यहाँ 1v2 करते हुए 1v3 करने की कोशिश लेकिन नहीं कर पाए भाई, तीसरे बंदे ने नहीं ठोक दिया और भाई पूरा ही फिनिश किया गया है। तो हाइड्रा टॉक्सिक भाई को यहाँ पर मेरे ख्याल से रश करना चाहिए क्योंकि उनके सब दो मेंबर्स नॉक पड़े हुए हैं, अकेले मेंबर बचे हुए हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर, और भाई वहाँ पर स्प्रे देने ओपन में आकर भाई थोड़ा उन्होंने गलती की है, स्प्रे उन्हें दिया गया भाई, ये जस्ट 1v2 बुलेट के हैं वहाँ पर सीधा रश करते हुए, लेकिन भाई हाइड्रा टॉक्सिक भाई भी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं भाई। यहाँ पर देख लिया उनके अकेले टीम मेंबर बचे हैं, आई थिंक वो ऑफलाइन है, जी हाँ वो शॉर्ट गन के साथ ऑफलाइन खड़े हुए हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है भाई, ऐसे क्या ही बताएं, हो सकता है उनको कुछ काम आ गया हो, ऐसे उन्होंने एक गन लूटी है शॉर्ट गन पर, क्या ही करें भाई, इस टाइम उन्हें मुंह भर भर के गालियां मिल रही होंगी अपनी टीममेट की तरफ से कि भाई ऐसे टाइम पे बंदा 1 HP था और तू ऑफलाइन हो गया। भाई देखें यहाँ पर वुल्फ आशु आते हुए हाइड्रा भाई को यहाँ पर बड़े इजीली भाई खत्म कर सकते हैं वो सामने से, क्योंकि भाई वो वैसे भी ऑफलाइन ही खड़े हैं भाई, ऑफलाइन बंदे को क्या ही करेंगे, जैसा कि मैंने कहा ही था भाई यहाँ पर बड़े इसलिए यहाँ पर वुल्फ आशु की तरफ से स्पेस दिया गया और उन्हें बड़े ही आरएन किलर भाई की वहाँ पर फाइट हो चुकी है जो कि टीम नंबर 5 की तरफ वहाँ पर थे। टीम नंबर 24 में भाई आरएन किलर भाई ने वहाँ पर जो कि टीम नंबर 10 के अकेले मेंबर बचे हुए थे उनको खत्म कर दिया गया पूरी तरह से, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अवेंजर थोर भाई यहाँ पर काफी लो है भाई हील करते हुए और भाई यहाँ पर सामने स्प्रे देते हुए डार्क हॉर्स की टीम की तरफ, भाई डार्क की पूरी टीम बड़े मजे से भाई टीपी भी लेती हुई वहां सामने की, जैसे ही कोई टीम बाहर कूदती है वैसे ही उनको स्प्रे दिया जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों ही टीमें जोन से बाहर है, दोनों ही टीमों को जोन में जाना है लेकिन उनके पास एक एडवांटेज है, उनके पास सामने गाड़ी खड़ी है उनके डार्क की टीम की तरफ, बड़े इजीली भाई वो वहां पर मार सकते हैं और भाई सोनू किलर भाई उनकी फाइट हो गई है वहां पर जो की, या फिर ऐसे ही मर रहे हैं वो, क्या ही बताएं आपको, मेरे ख्याल से दोनों से ही मर रहे हैं आई मौत हो वैसे भाई जी नहीं भाई यहाँ पर जहाँ किलर भाई सोनू किलर भाई इनको आई थिंक रिवाइव देना चाहेंगे, इनको टीम नंबर कोई मेंबर इन्हें नॉक करके भाग गए भाई यहाँ से टीम नंबर 25 के, और भाई टीम नंबर 23 की फाइट हो चुकी है वहाँ पर प्रिंस किंग और की फाइट हो चुकी है टीम नंबर 20 के साथ, F1 सोहेल भाई और के साथ यहाँ पर फाइट हो चुकी है, यहाँ पर प्रिंस किंग नॉक पड़े हुए हैं भाई, प्रिंस किंग को नॉक कर दिया गया और उन्हें मेरे ख्याल से पूरा फिनिश किया जाएगा जहाँ मुझे लगता है। जी हाँ यहाँ पर आखिरी मेंबर अपनी टीम से बचे हुए थे, बाकी इनके इनके टीम मेंबर्स कहीं और है भाई, तो भाई उन टीम मेंबर्स को भी देख लीजिए वो जोन के अंदर है भाई, वाइल्ड बर्थों की टीम पूरी तरह से भाई यहाँ पर जोन के अंदर जा चुकी है भाई, अपने टीममेट उनके टीममेट काफी दूर चले गए थे उनसे इसीलिए भाई वहां पर मारे जा चुके हैं टीम नंबर 20 की तरफ से और उनकी टीम आई थिंक वहां पर थोड़ा कवर देने की कोशिश करती हूँ वहां पर। जी हाँ M24 से भाई वहां पर मारने की कोशिश की जाएगी जहां तक मुझे लगता है, लेकिन भाई मेरे ख्याल से काफी दूर है वो, तो भाई दूर तो खैर नहीं है, इनके पास एटैक भी है लेकिन भाई अगर यहाँ से नॉक करते हैं तो इन्हें सीधा ही रश करना होगा क्योंकि भाई अगर नॉक करके रश नहीं करते तो बड़े भाई, लेकिन ओपन से आना होगा उन्हें। जी हाँ भाई यहाँ पर इनको एक बेनिफिट मिल सकता है कि उन्हें ओपन से आना और भाई एक बंदे को नहीं मार पाए भाई, फटका दिया है उन्होंने F16 भाई जोन से ही लोग हुए हैं लेकिन भाई वो फटका नहीं पड़ा, क्या ही बात होती अगर एक फटका पड़ जाता तो भाई यहाँ पर बग्गी में बैठने कोशिश, अगर बग्गी के सिर पर एम लगा कर बैठते हैं तो भाई वहां पर बड़े इजीली नॉक कर सकते हैं एक आधे टीममेट को, क्योंकि बग्गी के पास आए एक टीममेट वहां पर भाई एक बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश
वहाँ पर एक बुलेट कनेक्ट कर चुके हैं वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया भाई। उन्होंने गाड़ी अपनी सेफ कर लिया भाई, गाड़ी के ऊपर स्मोक कर दिया गया, तो भाई अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे। गैंगस्टर नवेद भाई और रिपेड हो चुके टीम नंबर 12 की भाई। टीम नंबर 12 का भाई यहाँ पर एक ही मेंबर आए थे, कौन आए थे तो भाई वो मारे जाते हैं। किल शॉट और की फाइट हो चुकी है, नवीन भाई और की फाइट हो चुकी है। किल शॉट की फाइट टीम की तरफ जरूर चला जाए भाई। टीम नंबर 22 जो कि मार्वल दादा और की तरफ भाई वहाँ पर फाइट हो रही है इनकी। मुजुटो भाई की टीम यहीं पर है, मार्वल दादा की स्पोर्ट यहाँ पर है। किल शॉट की टीम यहाँ पर आ चुकी है भाई, और किल शॉट की टीम इनके मेंबर्स किल शॉट उधर नोक पड़े हुए वहाँ पर। किल शॉट सैम लेकिन सामने काफी अच्छा कवर बनाते हुए भाई, बहुत ही बढ़िया कवर है सामने गाड़ियों का, दो गाड़ियों का कवर बना के रखे हैं। सामने स्मोक कर दिया गया तो बड़े इजिली भाई वहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे और बड़े ही इजिली भाई वहाँ पर हील वगैरह कर लेंगे। और भाई यहाँ पर देख लिया टीम नंबर 17 और टीम नंबर 22 के बीच आपस में फाइट होती हुई वहाँ पर, और इसका फायदा भाई थोड़ा बहुत टीम नंबर 13 भी उठा सकते हैं ज्यादा मुझे लगता है। जी हाँ, यहाँ पर वाइल्ड बग भाई ने वहाँ पर F160L भाई को नॉक कर दिया है, जो कि जॉर्जियो की तरफ से टीम नंबर 23 के मेंबर ने टीम नंबर 20 के एक मेंबर को वहाँ पर नॉक कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से भाई सीधा पूरा ही फिनिश करना चाहेंगे उसे अगर वो ओपन से आ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई वो ओपन से नहीं है, उन्हें रिवाइव बड़े इजिली मिल सकता है। एसके गेम अरिनी के साथ है भाई, भाई उन्हें रिवाइव भी मिल रहा है भाई। जी हाँ, बड़े इजीली भाई उन्हें रिवाइव मिल चुका है डेविल भाई की तरफ से। और यहाँ पर वाइल्ड बर्थ भाई को नॉक करते हुए एसके गेमर, क्या ही बात है, यहाँ पर नॉक कर चुके हैं। और भाई अकेले मेंबर बचे हुए उनके काफी लो हैं भाई, एसके गेमर यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, क्या ही बात है भाई। एक टीम मेंबर्स को नॉक करने के बाद अपने आप नॉक हो चुके हैं, उनकी टीम उनके पास आ चुकी है, तो भाई बड़े इजीली वहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा। आई थिंक उनकी टीम सबसे पहले रश करना चाहेगी या फिर अपने टीम मेंबर को रिवाइव देना चाहेगी, तो देख लिया भाई यहाँ पर F16 भाई यहाँ पर सोहेल भाई सामने भाई टीवी भी लेते हुए वाइल्ड बर्थ को पूरा फिनिश किया गया है। दूसरे टीम मेंबर के ऊपर उनके रश करते हुए वो लिटरली 1 HP भाई, एक बुलेट पड़ी और वो खत्म हो गई, क्या ही बात है भाई। वहाँ पर वापस से भाई टीम नंबर 22 की तरफ चला जाए मार्वल दादा भाई, और कि वहाँ पर मार्वल दादा काफी लो हो चुके हैं भाई। यहाँ पर एबीजी उमर भाई वहाँ पर किल शॉट मैग्नेट की तरफ से नॉक किए जा चुके हैं, जो कि टीम नंबर 21 के मेंबर थे। तो यहाँ पर काफी सारी टीमें आपस में ही लड़ रही है, तो भाई कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी टीम किसको मार रही है, तो क्या ही बात है। किल शॉट की टीम यहाँ पर पूरा फायदा उठा चुकी है। सामने नेड किया गया है सस्ते ना मार्केट का नेड, जैसे कि मैंने कहा था भाई 1, 7, 3, 3, 4, 5 नेड भाई, क्या ही बात है, इतने नेड से कहाँ कोई बच रहा भाई, एक आधा नेट जरूर कनेक्ट होगा। जैसे कि मैंने कहा था देखिए बिल्लू भाई वहाँ पर यहाँ पर देखिए, क्या ही बात है, बिल्लू भाई वहाँ पर और भाई पूरी स्क्वाड खत्म, क्या ही बात है। उनके अकेले मेंबर SGFZ वहाँ पर नॉक हुए थे, बाकी घुसते ही भाई तबाही मचा दी वहाँ पर। एवीजी बिल्लू भाई वहाँ पर नेट से ही मरे अंदर भाई के, और भाई एक टीममेट वहाँ पर जो कि उमर भाई थे वो भी नेट से ही भाई, सस्ते मार्केट से इतने नेट पता नहीं कौन से बाजार से खरीदते हैं भाई, तो भाई क्या ही नेट किए इन्होंने, 5-6 नेट तुरंत एक साथ ही कर दिए भाई, इतने नेट से कौन बचता है, बंदा कहाँ कहाँ भागेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मुजुटो की टीम निकल चुकी है, टीम नंबर 17 की भाई वहाँ पर फाइट हो सकती है सलमान 77 टीम नंबर 12 के साथ, क्या ही बात है। यहाँ पर गैंगस्टर नवेद भाई की टीम है ये यहाँ पर, और भाई देख लिया जाए और सामने मुजुटो भाई की स्क्वाड टीम नंबर 17 भाई, टीम नंबर 12 की तरफ से टीम नंबर 17 की तरफ भाई स्प्रे दिया जा रहा है, जो कि अपार्टमेंट की तरफ हो रही है यहाँ पर काफी घर में। मेरे ख्याल से वहाँ पर बड़े इजीली भाई निकलने का प्रयास करेंगे, आई थिंक ऊपर साइड वाले अपार्टमेंट में जाकर आई थिंक इनसे फाइट लेने चाहेंगे, और बाकी देख लिया जा रहा कहीं और फाइट नहीं हो रही है, क्योंकि भाई कोई भी फाइट मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कोई फाइट मिस हो। जल्दी से जल्दी यार अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्या कर रहे हो, जिनको जो भाई हेटर लोग हैं उनका मुंह बंद करो यार भाई, मतलब हर डेली भाई 9 सब्सक्राइबर लेकर चले जाते हैं हेटर लोग, 9-9 अनसब्सक्राइब कर चले जाते हैं, तो भाई उनका मुंह बंद करो फटाफट से भाई, सब्सक्राइब करो अभी के अभी जस्ट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार वीडियो को, क्या कर रहे हो। 1 महीने 1000 सब्सक्राइबर का वादा था भाई, अब तक 500 नहीं हुए हैं भाई, क्या ही मतलब 500 छोड़ो 400 सब्सक्राइबर नहीं हुए भाई अब तक, हम तो भाई 1000 के आस में आकर बैठे थे, हम तो सोच रहे हैं भाई जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो उतनी जल्दी हम रोल पास का गिव अवे रखेंगे, लेकिन भाई कहाँ ही हमारी कोई सुन रहा है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, फटाफट से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराओ ताकि हम रोल पास का गिव अवे रख सकें। सामने AWM के ऊपर भाई नेट किया गया था, लेकिन भाई नेट रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड आ गया भाई, गैंगस्टर नवेद भाई फिर से वहाँ पर स्प्रे देकर नॉक कर चुके हैं वहाँ पर, और मेरे ख्याल से पूरी तरह से फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन नहीं भाई वो कवर में जा चुके थे, तो भाई मुजुटो भाई उन्हें बड़े इजीली वहाँ पर रिवाइव दे देंगे। यहाँ पर टीम नंबर 22 भी भाई अट्रैक्ट हो चुकी है फाइट के चलते भाई, टीम नंबर 22 यहाँ से रोजो की तरफ निकल चुकी है भाई, काफी अच्छी यहाँ पर फाइट होने वाली है भाई, यहाँ पर भी गैंगस्टर भाई और की काफी अच्छी फाइट चलने वाली है। यहाँ पर मोली की गई है भाई छत पर वहाँ पर AWM भाई की तरफ, जो कि नॉक किया गया था उन्हें, लेकिन भाई सामने से फिर से नेड आया, और भाई क्या ही नेड गैंगस्टर नवेद भाई की तरफ, क्या ही नेड किया गया मुजो टू भाई की तरफ से, बहुत प्यारा नेड फिर से नेड किया गया भाई, इस नेड में फिनिश हो सकते हैं जहां तक मुझे लगता है, लेकिन नहीं भाई नेड में थोड़ा सॉरी स्मोक था ब्रो, और फिर से भाई वहां पर स्मोक किया गया है, तो भाई एक नेड अगर वो नेड भाई थोड़ा पहले फेंकते तो यहाँ पर गैंगस्टर नवेद भाई वहां पर
हो सकते थे भाई, वहां पर फिनिश हो सकते थे पूरी तरह से, लेकिन भाई वहां पर रश हो चुका है। रश करते हुए भाई मुजुटो की टीम, क्योंकि सामने दो ही टीम मेंबर बचे हुए, बाकी मेंबर्स मेरे ख्याल से भाई कहीं और निकल चुके हैं या फिर मर चुके हैं पहले से। जी नहीं भाई, मरे नहीं है भाई, यहीं पर है, तो भाई बड़े इजीली वहां पर मार दिया गया है। यहाँ पर एक टीम मेंबर को नॉक किया जा चुका है, यहाँ पर टीम नंबर 12 के भाई, क्या ही बात है। और भाई टीम नंबर 17 मुजुटो भाई की तरफ से नॉक किया गया था। टीम नंबर 12 के दो मेंबर भाई छत पर टीपी भी लेते हुए उन्हें पूरी तरह से फिनिश किया गया है। गैंगस्टर नावेद भाई ऊपर टीपी भी लेते हुए, आई थिंक इन्हें मारने का प्रयास करेंगे। सलमान 77 भाई वहां पर टीपी भी ले रहे हैं, मतलब दोनों ही टीमें टीपी भी लेती हुई यहाँ पर। भाई जोन बहुत छोटा हो चुका है, टीम नंबर 24 की भाई फाइट हो चुकी है, दोनों ही टीमें ब्रिज पर भिड़ती हुई, टीम नंबर 16 और टीम नंबर 24 भाई दोनों ही टीमें बहुत क्लोज है। और भाई देखिए टीम नंबर INDI भाई यहाँ पर स्प्रे देते हुए, मुजुटो भाई वहां पर नॉक हो चुका है। INDI जावेद भाई ने यहाँ पर टीम नंबर 16 के मेंबर को नॉक कर दिया है, जफर भाई तरफ से स्प्रे दिया गया है। और भाई यहाँ पर नॉक होते हुए INDI जावेद भाई यहाँ पर नॉक हो चुका है। गैंगस्टर नावेद भाई की तरफ से वहां पर AWM भाई को वहां पर नॉक किया जा चुका है यहाँ पर। और भाई वुल्फ मुबारक भाई की तरफ से यहाँ पर INDI जावेद भाई नॉक हो चुके हैं, गैंगस्टर नावेद भाई ने AWM को पूरा फिनिश किया है। ABG माल भाई यहाँ पर भाई नेट से नॉक होते हुए, तो भाई यहाँ पर इतनी फाइट चल रही है क्या ही बताएं हम आपको। ABG माल भाई स्कोर 19 है, स्कोर नंबर 19 भाई वहां पर एक टीम नंबर नॉक पड़े हुए। और भाई रश करती हुई मेरे ख्याल से नीचे वाली टीम, जहां तक मुझे लगता है। जी हाँ वहां पर रश कर रहे हैं, जी हाँ ज्यादा दूर नहीं है भाई, पड़ोस वाले घर में थे। यहाँ पर क्रोन शोएब भाई यहाँ पर अकेले बचे हैं अपने टीम के मेंबर से, 19 सेंचुरी लोगन उनके सामने भाई, 19 सेंचुरी लोगन की भाई पूरी टीम उनके सामने, 19 सेंचुरी बिलाल भी है, तो भाई मुझे नहीं लगता 1v4 यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन भाई उनके एक टीम मेंबर नॉक पड़े हुए हैं, तो भाई यहाँ पर देख लीजिए 1v4 कर पाएंगे नहीं। बाकी स्कोर भाई यहाँ पर 19 सेंचुरी स्कोर भी भाई उन पर रश नहीं कर रही, क्योंकि वो भी नहीं जानते भाई एक तरह से कि कितने बंदे हैं वहां पर। और भाई देख लिया जाए किसी और की फाइट, गुलाम आलिया भाई यहाँ पर भाई किसी के साथ फाइट ले रहे हैं, तो देख लिया जाए भाई। टीम नंबर 20 की वहां पर फाइट हो सकती है, जहां तक मुझे लगता है टीम नंबर नहीं भाई, टीम नंबर 20 की फाइट नहीं होने वाली मुझे जस्ट ऐसा ही, क्योंकि टीम नंबर 10 के भाई एक नंबर ज्यादा दूर नहीं है उनसे वैसे, पर फिर भी भाई यहाँ पर इतनी जल्दी फाइट नहीं होगी। एवेंजर थोर भाई और की वहां पर फाइट हो चुकी है, जो कि टीम नंबर 24 है, टीम नंबर 24 की टीम नंबर 16 के साथ भाई फाइट चली हुई है, काफी अच्छी फाइट कर रहे हैं वहां पर। जफर भाई नॉक पड़े हुए हैं, बोल भाई यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं उनके, तो देख लिया जाए भाई। भाई पूरा फिनिश किया गया है भाई उन्हें आरएन किलर की तरफ से, आरएन किलर ऊपर से पूरा प्लान कर चुके हैं, तो भाई उनके बाकी टीम मेंबर्स को देख लीजिए, एक टीम मेंबर्स अकेले बचे हुए उनके सामने चार बंदे, मुझे नहीं लगता 1v4 यहाँ पर कर पाएंगे, बड़े इजीली भाई वहां पर खत्म हो सकते हैं। आरएन किलर को बहुत बढ़िया स्प्रे स्कारल से काफी अच्छा स्प्रे दिया गया है वहां पर, आरएन किलर को पूरी तरह से फिनिश करना चाहेंगे जहां तक मुझे लगता है। और INDI जावेद भाई जोन से बाहर, INDI मुजु भाई ने सोलो गणेश भाई को वहां पर खत्म किया। जी हाँ टीम नंबर 25 के सोलो गणेश भाई को वहां पर आई थिंक गाड़ी ही फोड़ दी। मुजु भाई यार ऐसा मत किया करो, सोलो डैमेज थे वहां पर। और भाई देखिए OMG टोन भाई, और भाई यहाँ पर फाइट होनी है भाई, अभी भी यहाँ पर फाइट जारी है भाई टीम नंबर 6 की, जो कि इनसे ज्यादा दूर नहीं है भाई। किल शॉटर की वहां पर फाइट होती है, डार्क फोर्स भाई वहां पर देखिए RX अपोर की तरफ भाई स्प्रे देते हुए किल शॉटर सर, RX अपो भाई वहां पर काफी लो है। टीम नंबर 11 के जो मेंबर और मेरे ख्याल से भाई यहां पर नेड़ में RX वहां पर पहले से नॉक पड़े हैं, सामने नेड़ किया गया है, देखते देखा जाए भाई उस नेड़ में कोई ना कोई आ सकता है, लेकिन भाई नहीं, काफी सारे बैक साथ जा चुके हैं, बिल्कुल नेड़ की बिल्कुल उन्होंने आवाज सुन ली थी, थोड़ा पूरा कुक कर गए। और वुल्फ नेम भाई ने देखिए यहाँ पर डार्क की स्कोर के ऊपर रश हो चुका है भाई, डार्क की स्कोर को भी देख लिया जाए, डार्क की फाइव टीम नंबर 5 भाई वहां पर रश हुआ है टीम नंबर 5 की तरफ, काफी अच्छा खेल रही थी वो स्कोर, डार्क की स्कोर काफी अच्छी खेल रही है भाई। भाई उनके दो मेंबर्स बचे हुए हैं जो कि भाई अब तक लाइव है, बाकी मेंबर्स को भाई यहाँ पर देखिए टीम नंबर 22 के भाई लगभग सभी मेंबर्स नॉक पड़े हुए हैं, अभी अभी उन्हें वुल्फन नहीं भाई को रिवाइव मिला है। और भाई वुल्फ हाशु भाई पहले से नॉक पड़े हैं, मार्वल दादा काफी लो है, तो भाई उनके ऊपर आई थिंक रश करना चाहेंगे जहां तक मुझे लगता है, जिन्हें अपने दूसरे वहां पर हील करते हुए बैंडेज लगाते हुए बैंडेज का सहारा ले रहे हैं वहां पर, उनके पास ज्यादा हीलिंग वगैरह नहीं है, अपने टीम मेंबर्स को वहां पर रिवाइव करते हुए। नीचे डार्क की पूरी टीम भाई जो नीचे मतलब स्क्वाड हाउस के नीचे ही है यहाँ पर, मार्वल दादा नीचे कूद चुके हैं अपने टीम मेंबर्स को आई थिंक रिवाइविंग के लिए नीचे कूदे हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से जिन नहीं भाई, लेकिन कहाँ है डार्क हॉर्स भाई, कहाँ टिकने दे रहे हैं। डार्क हॉर्स भाई ने यहाँ पर पूरा फिनिश किया है ऊपर भाई सीधा जाते हुए, वुल्फ नहीं भाई अकेले बच्चे में वहां पर, मुझे नहीं लगता भाई बच पाएंगे क्योंकि भाई काफी लो है, मतलब लिटरली उन्होंने 2 बुलेट्स पड़ेंगे और भाई वो खत्म हो जाएंगे वहां पर। नीचे कूद चुके हैं और भाई उनके ऊपर सामने से भाई उनके डार्क सोनू भाई आते हुए ऊपर से, ऊपर डार्क हॉर्स भाई, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर बच पाएंगे भाई बिल्कुल भी। डार्क हॉर्स भाई यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश, जैसे कि मैंने कहा था डार्क हॉर्स भाई ने यहाँ पर खत्म कर दिया उन्हें, और भाई टीमें बिल्कुल क्लोज आ चुकी है, 11 टीमें बची हैं इतने से सर्कल में, क्या ही फाइट देखने को हमें मिलेगी भाई सर्कल में। 11 टीमें अलाइव है टोटल भाई, 36 बंदे अलाइव, 11 टीमें, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पर हमें फाइट देखने के लिए मिल सकती है। जोन क्योंकि काफी छोटा है भाई, और वहां पर मुजुटो भाई और की फाइट हो चुकी है टीम नंबर 17 की वहां पर।
किसने भाई मेरे ख्याल से आई इंडिया में भाई और किन के साथ फाइट हुई थी और भाई कुछ पता ही नहीं चला इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई यहाँ पर मोजू टू की तरफ से मारे जा चुके हैं, काफी अच्छा खेले भाई। तो मोजू भाई हमारी तरफ से बिल्कुल हम सॉरी मांगना चाहेंगे क्योंकि हमने आपका शायद किल फीड में नाम पढ़ा था, आपने एक टीम मेंबर्स को नॉक किया था, बाकी भाई पूरी टीम को खा गया हम नहीं बता सकते, तो भाई उसके लिए हम माफी चाहेंगे। देख लिया भाई सब स्कोर जोन से बाहर हो चुके हैं यहाँ पर। डार्क हॉर्स भाई यहाँ पर देखे जोन से नॉक होते हुए भाई, और सलमान भाई 77 भाई भी जोन से बाहर है भाई, और भाई डार्क सोनो भाई जोन से निकल चुके हैं आई थिंक। जी हाँ डार्क सोनो भाई अपने एक टीम मेंबर्स को लेकर वहाँ पर जोन से निकल चुके हैं, और भाई सामने इनके आई एन डी की टीम है टीम नंबर भाई 6 टीम नंबर 5 के साथ भिड़ सकती है जाकर जहाँ तक मुझे लगता है भाई, क्योंकि वो भाई पूरी तरह से उनकी तरफ जा रही है। लेकिन नहीं भाई वो पहले हील करेंगे वहां पर उसके बाद निकलेंगे, और भाई आई एन डी भाई की टीम सीधा भाई यहां पर निकलती हुई जोन की तरफ, क्योंकि भाई उन्हें जोन में जाना, और भाई टीम नंबर 24 की यहाँ पर फाइट होने वाली है टीम नंबर 18 के साथ, कुछ ज्यादा ही क्लोजिंग है दोनों ही टीमें भाई, यहाँ पर फाइट हमें काफी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है, और भाई पीछे से टीम नंबर 20 भी है भाई, क्या ही बात है। तो टीम नंबर 20 के ऊपर से थर्ड पार्टी देखने के लिए हमें मिल सकती है टीम नंबर 18 नौ मर्सी मलिक फाइट स्क्वाड है, यहाँ पर सामने नेट किए गए एवेंजर थ्रो भाई के ऊपर नेट किया गया है भाई, यहाँ पर एम रेहान है, तो भाई यहाँ पर फिर से एक नेड किया गया है एवेंजर की भाई की तरफ, लेकिन भाई नेड कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन भाई नेड काफी अच्छा गैस करके फेंक रहे हैं भाई पूरी तरह से, लेकिन भाई सामने से भी नेड फेंके गए हैं गुलाम आलिया की तरफ से, लेकिन भाई नेड उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाई वो थोड़े दूसरे कमरे में, और भाई वहां पर मलिक भाई 15 भाई वहां पर जी हाँ यहाँ पर आई एंड भाई नो खो चुके हैं सारा किंग की तरफ से, और भाई उनको एक टीम मेंबर्स को दोनों ही टीम मेंबर्स के एक एक मेंबर्स भाई नोक पड़े हुए हैं यहाँ पर, और भाई गुलाम आलिया भाई वहाँ पर नोक हो सकते हैं जिन नहीं गुलाम आलिया भाई ने वहाँ पर नोमर सिंह मलिक भाई को खत्म कर दिया, आर एन किलर वाले की तरफ से भाई आर एन किलर भाई खुद नोक हो चुके हैं, उनके दो मेंबर्स नोक पड़े हो चुके हैं भाई आई एन डी जावेद भाई यहाँ पर, और एवेंजर थोर भाई यहाँ पर बचे हुए हैं, आई एन डी जावेद भाई काफी लोग हैं एवेंजर थोर भाई वहाँ पर सीधा रश करते हुए भाई, और गुलाम आलिया भी भाई आ चुके हैं पीछे से भाई, उनके आर एन किलर नोक पड़े हैं, और भाई उनके भी टीम मेंबर नोक पड़े हैं, मुझे जल्द अभी जो है मिला भाई फिर से भाई देखा जाए भाई स्मोक के अंदर यहाँ पर गुलाम आलिया मेरे ख्याल से देने कुछ साल के भाई वहाँ पर नोक हो चुके हैं, तो भाई पबजी भाई भी यहाँ पर पबजी अक्षय अक्की भाई भी यहाँ पर नोक पड़े हैं, तो भाई एम रिहान भाई वहाँ पर पहले ही मारे जा चुके हैं आर एन किलर अपने टीम को बड़े जिले वहाँ पर बचाते हुए भाई। अलाउद्दीन आई एन डी की भाई टीम आ चुकी है बिल्कुल टीम नंबर 20 और टीम नंबर 5 के बीच भाई इनकी फाइट हो सकती है बड़े इजीली जहाँ तक मुझे लगता है, और भाई फायर भी किया जा रहा है इनके आसपास से भाई, यहाँ पर आई एन डी अमित भाई थोड़ा गाड़ी को कवर में लगाते हुए फिलहाल टीम नंबर 5 टीम नंबर 20 की तरफ से भाई स्प्रे दिया जा रहा है, क्या ही बात है। टीम नंबर 5 की तरफ से स्प्रे टीम नंबर 20 की तरफ से स्प्रे मतलब भाई यहाँ पर आई एन डी की टीम एक हिसाब से फंस चुकी है, आई एन डी जावेद भाई सलमान 77 की तरफ से नॉक हो चुके हैं वहां पर जो कि टीम नंबर 17 के मेंबर है, और भाई यहाँ पर देख लिया जाए डार्क की तरफ डार्क सोनो भाई यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं मोजू भाई की तरफ से, क्या ही बात है मोजू भाई ने काफी अच्छे स्प्रे देते हुए वहां पर आई एन डी मोजू भाई डार्क होस ने देखे वहां पर ओएमजी डॉन को भाई वहां पर नॉक करते हुए जो कि भाई आईएनडी टीम के मेंबर है वहां पर नॉक हो चुके हैं, अब भाई बड़े इजीली यहाँ पर रिवाइव देते हुए वहां पर, लेकिन भाई सामने से वहां पर फायरिंग की जा रही है डार्क की तरफ से, और सामने से भाई क्या ही नेड किया गया है वहां पर F16 सोहेल की तरफ से, और भाई बहुत ही बढ़िया नेड वहां पर डार्क सोनो भाई नॉक होते हुए भाई दोबारा से नेड किए गए हैं पूरी तरह फिनिश हो सकते हैं, लेकिन नहीं उस नेड से थोड़ा डैमेज आया उन्हें, और डार्क की टीम भाई जोन से भी बाहर है लगभग, और 37 सेकेंड बचे हैं सिर्फ भाई जोन चलने में, 7 टीमें भाई यहाँ पर बच रखी हैं, और भाई 18 बंदे इतनी से सर्कल में भाई बहुत बढ़िया यहाँ पर मैच देखने के लिए हमें मिल रहा है,
आईएनडी की टीम भाई काफी अच्छा कवर बनाकर लेटी हुई है, लेकिन भाई एविडेंस और भाई की टीम भाई यहाँ पर आईएनडी में भाई को पूरी तरह से नॉक कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है हरमन सिंह भाई ने वहां पर दो बंदे को नॉक कर चुके हैं डार्क की टीम से, और भाई जोन चलने में सिर्फ 12 सेकंड, तो भाई मुझे नहीं लगता और बच पाएंगे। और भाई मोजू भाई यहाँ पर किल चुराने की कोशिश करते हुए, लेकिन मोजू भाई को स्प्रे है डार्क की टीम की तरफ से, वहां पर किल नहीं चुरा पाए हैं। OMG डॉन भाई वहां पर एक किल तो ले ही गए आखिरकार, यहाँ पर डार्क सोनू भाई का किल ले गए वहां पर, और मेरे ख्याल से भाई वहां पर नहीं बच पाएंगे। F1 6 सोहेल भाई भी वहां जोन से बाहर है, तो भाई वो भी जोन में जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे, भाई जोन काफी डैमेज देगा बहुत ही बड़ा, भाई वो टीम सीधे जोन में जा रही है, तो वहां पर जोन में बड़े जल्दी निकल जाएंगे। डार्क की टीम की तरफ से भाई अकेले मेंबर बचे हैं उनके, मोजू 2 सलमान 77 बच रखे हैं, तो भाई यहाँ पर और भाई अलाउद्दीन है जो भाई भी अकेले ही टीम मेंबर बचे हैं टीम नंबर 10 की तरफ से, और भाई टीम नंबर 7 के चारों ही मेंबर बच रखे हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पर मोजू भाई को सीधा जोन में जाना पड़ेगा, जी हाँ मोजू भाई की ज्यादा दूर नहीं था जोन, बड़े इजिली भाई जोन में जा चुके हैं वहाँ पर। डेविल भाई की तरफ से भाई डार्क के जो आखिरी मेंबर बचे हुए थे टीम नंबर 20 की तरफ से, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है यहाँ पर। और भाई देख लिया जाए टीम नंबर 7 भाई एक हिसाब से अगर देखा जाए तो टीम नंबर 6 की तरफ भाई थर्ड पार्टी कर सकती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है उनके पीछे भी एक स्क्वाड है, और बड़े इजीली भाई उन्हें सपोर्ट करके मार सकती है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मोजू भाई और उनकी तरफ से भाई को बिल्कुल ओपन में है, तो इन्हें तो भाई बड़े इजीली भाई उन्हें फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकी तरफ थोड़ी पेट हो रखी है, बड़े इजीली भाई यहाँ पर स्प्रे देकर मार सकते हैं वहां पर टीम नंबर 7 के जो मेंबर है टीम नंबर 6 को। फिलहाल भाई सामने से स्प्रे आता हुआ है यहाँ पर मोजू 2 भाई ने देखिए एविडेंट शार्क भाई को वहां पर नॉक कर चुका है, मोजू 2 सलमान 77 वहां पर नॉक हो चुके हैं, और दूसरे टीम मेंबर जो कि भाई उनके मोजू 2 भाई थे उनको भी खत्म कर दिया गया आरडीएक्स की तरफ से। तो भाई यहाँ पर टोटल 4 टीम है, 12 बंदे आ भाई क्या ही बात है। भाई सामने से मोजू की टीम की तरफ से है वहाँ पर नॉक हो सकते हैं, उनकी तरफ मौली गई है भाई, मौली का डैमेज पड़ता हुआ उन्हें यहाँ पर लिटरली भाई 20 एचपी बचे हैं। अवेंजर भाई वहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं, अवेंजर भाई को रिवाइव देना चाहिए, सामने से एक नेड और किया गया है। एसके गेमर वहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं भाई जो कि मेरे ख्याल से मोजू भाई की तरफ से हुए हैं, और भाई मोजू भाई यहाँ पर खुद नॉक हो चुके हैं उन्हें नॉक करने के बाद। अवेंजर भाई वहां पर नॉक पड़े हैं, सामने से एक और नेड किया गया है भाई, बहुत ही बढ़िया नेड सामने भाई, नेड ही नेड किए जा रहे हैं, मतलब ये भी सस्ती मार्केट के नेड। किल शॉट की टीम खत्म हुई, तो ये पता नहीं कौन सी मार्केट के नेड ले आया भाई यहाँ पर स्मोक करके। और भाई टीम नंबर 7 भाई काफी क्लोज आ चुके हैं टीम नंबर 6 के ऊपर, भाई बड़े इजिली थर्ड पार्टी हो सकती है वहां पर, क्योंकि भाई उन्हें जोन में भी आना है, और भाई वो इसी तरफ से जोन में घूम के आ रहे हैं। एविडेंस शार्क भाई वहां पर पेड़ का काफी अच्छा कवर लेते हुए, और भाई बड़े इजी लेने भाई वहां से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो स्क्वाड पूरी ओपन में है, और भाई उन्हें नहीं पता आई थिंक उनके पीछे कोई स्क्वाड है, अगर मोजू भाई उन्हें सपोर्ट कर लेते हैं मोजू भाई की टीम, तो इजीली भाई वहां पर मार सकती है। एसके गेमर भाई फोल्डिंग करते हुए सामने से, और अवेंजर भाई उन्होंने स्प्रे दिया है। एसके गेमर भाई वहां पर नॉक हो चुका है, आईएनडी अमित परे से नॉक हो चुके हैं, क्या ही बात है भाई, आईएनडी अमित भाई नॉक हो चुके हैं मेरे ख्याल से। और F16 भाई ने वहां पर स्प्रे दिया है यहाँ पर एक बंद को, F16 भाई को नॉक हो चुके हैं जोन से, अवेंजर भाई की तरफ से नॉक किया गया है उन्हें भाई, अवेंजर भाई काफी अच्छे खेलते हैं, अवेंजर भाई वहां पर खुद नॉक हो चुके हैं उनको नॉक करने के बाद यहाँ पर चुरा लिया भाई उन्होंने। अवेंजर भाई का बड़ा अच्छा किल चुराया भाई वहां पर अलाउद्दीन, एजे भाई ने वहां पर गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर, और भाई अवेंजर भाई वहां पर नॉक पड़े हैं पहले से, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, जी हाँ भाई वहां पर, लेकिन भाई खुद ही जोन से बच जाएंगे भाई, मर गए जोन से, जैसे मैंने कहा था जोन से बाहर गाड़ी घुमाने की क्या ही जरूरत थी भाई, मतलब जोन के। और भाई मोजू भाई सपोर्ट नहीं हो रहे मुझे कहीं पर, आई थिंक मोजू भाई बचे हैं, सॉरी आईएनडी अमित भाई मर चुके हैं यहाँ पर, जो कि टीम नंबर 7 की तरफ से आई थिंक खत्म किया गया उन्हें। टीम नंबर 20 के भाई 2 मेंबर बचे हुए हैं, और भाई देख लिया जाए आज का रिवॉर्ड देखा जाए, मेरे ख्याल से भाई 25 किल किसी के नहीं हुए अब तक जहां तक मुझे लगता है। भाई सामने क्या ही उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट कर दिया वहां पर, मुझे लगा नेड भी किया गया भाई, नेड से काफी लोग हैं वहां पर, डेविल भाई और F16 सोहेल भाई, एविडेंस शार्क भाई के ऊपर भाई वहां पर स्प्रे दिया गया, उन्हें बड़े इजी के भाई नॉक कर दिया गया वहां पर टीम नंबर 7 के मेंबर को। मेरे ख्याल से भाई अवेंजर की टीम को नहीं पता है बैक साइड पे कोई टीम है उनके, उनका ध्यान पूरा पूरा टीम नंबर 20 की तरफ, और भाई मोजू भाई यहाँ पर सीधा रश करते हुए। तो भाई देख लिया जल्दी से जल्दी भाई चैनल को भी कभी इनके भी सब्सक्राइब किया जाए, टीम मोजू गेमर भाई, अगर आप सेंसिटिविटी वगैरह जानना चाहते हैं इनके गेम प्ले, लेकिन भाई काफी अच्छा खेलते हैं, और भाई यहाँ पर क्या ही बताएं आपको, दोनों तरफ से इनके ऊपर थर्ड पार्टी होती है। अवेंजर भाई की टीम पूरी तरह से खतरे में, जोन से मच चुके हैं यहाँ पर एक स्कोर भाई, जो टीम नंबर 20 और भाई यहाँ के विनर हो सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है टीम नंबर 7 यहाँ के विनर हो सकते हैं, लेकिन OMG डॉन भाई अकेले बचे हुए हैं वहां पर, और भाई किसी के नहीं हुए भाई, किसी के 20 किल तक नहीं हुए, 25 की बात हुई।
तो तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कराएं, मिलते हैं हम आपको कल इसी वक्त इसी स्ट्रीम में मिलेंगे। तब तक के